हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर का लेक्चर, चौथा है। और इसमें हम बताएंगे कि अल्कोहल बनाया कैसे जाता है और अल्कोहल बनाने की विधि क्या है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधि। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाया जाता है, ध्यान दीजिए, अल्काइल हैलाइड को जब जल से अपघटन क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को जब हम जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन यानी हम जल को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अपघटन यानी कोई भी अल्काइल हैलाइड से हम जल अपघटित करेंगे तब क्या होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को जब हम किसी भी एक्वस NOH या आप AgOH एक्वस, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बाहर क्या निकलेगा, NaX या आपका निकलेगा AgX, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ROH यानी अल्काइल, क्या है, अल्कोहल बनेगा, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप CH3 ये Cl हो गया, यानी मिथाइल क्लोराइड को जब हम किसी भी एक्वस NaOH या आप AgOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है CH3OH+NaCl, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मिथाइल क्लोराइड को क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड या AgOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका Ag3OH यानी मिथाइल अल्कोहल, या आपका बने मिथाइल अल्कोहल साथ में बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और मिथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए अब दूसरा विधि हम आपको बता रहे हैं कि RX के जल अपघटन हो गया, अब दूसरा विधि आपका है ईथर से जल अपघटन। ईथर से जल अपघटन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, RO लिखते हैं ईथर से जल अपघटन, ईथर से जल अपघटन, जल अपघटन से। चलिए अब यहाँ देखिए ईथर, एक सूत्र है याद रखिएगा, जब ईथर को जल अपघटन द्वारा हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करा जल अपघटित करते हैं, तब यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ से आपका अल्काइल मिथाइल अल्कोहल यानी अल्काइल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में होता है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। अब यहाँ बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ROH+R-OH, ठीक है। या मिथाइल अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल को दो प्रकार बनता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम जानते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जांपल हम देते हैं आपको कि CH3OC2H5, ठीक है, जब इसको हम जल के साथ अपघटित करते हैं डाइल्यूट H2SO4 में, ठीक है, H2SO4, तब यह प्राप्त होता है आपका CH3OH+C2H5OH। यह भी आपका क्या हो गया, ये देखिए यह हो गया, आप इसको बोल सकते हैं मिथॉक्सीथेन या आप बोल सकते हैं इथाइल, देखिए इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब आते हैं तीसरा आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका है कि तीसरा में आपको बताएंगे कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपघटन द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन के अपघटन द्वारा, एल्डिहाइड एंड कीटोन
के अपघटन द्वारा चलिए एल्डिहाइड और कीटोन के अपघटन द्वारा कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब हमें कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हुआ ठीक है तो हम उसको लेते हैं क्या एल्डिहाइड या कीटोन ठीक है। ये देखिए एक सूत्र इसका जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो सकता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको ध्यान दीजिएगा नहीं ये सूत्र है ठीक है। जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं कोई भी यानी जल से हाइड्रोजन से क्या करते हैं हाइड्रोजन से हम अभिक्रिया करा दिए ठीक है। चाहे हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो गया या आप कोई अलग चीज़ से भी आप क्या कर सकते हैं अभिक्रिया करा सकते हैं ठीक है। तो हम ये ईथर के बता दिए थे अब ये क्या होगा कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका यहाँ से बनता है क्या है कि यहाँ देखिए यह बनेगा आपका आर सी एच आर ओ एच ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम जानते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ हो गया जब इसको हम हाइड्रेट करते हैं ठीक है तब ये बनता है आपका सी एच थ्री सी एच यहाँ पर ध्यान दीजिए ठीक है ओ एच सी एच थ्री ठीक है। यही आपका एक एग्जांपल हो गया। चलिए आप इस तरह के देखिए लेकिन हाँ इसमें नोट में लिख लीजिएगा कि इस विधि से 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाया जाता है चलिए अब आते हैं आपका जो चौथा है ठीक है। अब चौथा ध्यान दीजिए आपका चौथा है कि यानी एस्टर के जल अपघटन से ठीक है। एस्टर आप जानते हैं एस्टर के जल अपघटन से चाहे इसका जल अपघटन से चलिए ध्यान दीजिए एक एग्जाम्पल पहले हम एक सूत्र बता देते हैं आपको याद रखना है ठीक है। और जब हम इसको क्या करेंगे ओ एच से अभिक्रिया कराएं मैंने जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ से प्राप्त होगा आर सी डबल ओ एच साथ में आपका प्राप्त होगा आर ओ एच यानी एसिड और अल्कोहल का निर्माण दोनों होता है ठीक है। तब यहाँ ध्यान दीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे के बताते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सी टू एच फाइव ले लेते हैं ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है ध्यान दीजिए यहाँ प्राप्त होता है आपका सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस आपका हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच। तब यह हो गया आपका यहाँ से इथनोइक एसिड हो गया और यहाँ हो गया इथेनॉल ठीक है। चलिए अब आपका ये चौथा हो गया अब पांचवा आपको बताने जा रहे हैं कि आपका पांचवा क्या है ध्यान दीजिएगा। अब पांचवा में हम आपको बताएंगे कि जो कार्बोनाइल एसिड होता है उसके साथ अपघटन द्वारा ठीक है। तो कार्बोनाइल एसिड क्या है ध्यान दीजिएगा कार्बोनाइल कोई भी कार्बोनाइल होगा ये पांचवा होगा सी यहाँ से ले लेते हैं कार्बोनाइल कार्बोनाइलिक एसिड के अपचयन के द्वारा के अपचयन के द्वारा अपचयन के द्वारा। तो ध्यान दीजिए इसमें हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेके बताते हैं आर सी हो गया यहाँ पर ओ एच यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया ठीक ऑक्सीजन। तब इसको हम क्या किसी साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा 4H के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो प्राप्त होगा यहाँ से निकलेगा H2O। ये कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए यहाँ से 2H इसके साथ आ जाएगा और 2H इसके साथ तो हमको प्राप्त क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा RCH2OH प्राप्त होता है ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कैसे प्राप्त होगा ध्यान दीजिए CH3C हो गया यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर
OH हो गया, जब इसको हम 4H के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है C2, ऐसे लिख देते हैं CH3CH2OH। चलिए यहाँ तक बता दिए। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हम बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए आप इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।